ये तस्वीरें मातम से भरी हैं। ममता की करुणा से उठती चीत पुकार से मानो कलेजा फटकर मुंह तक आ गया हो। उधर अपने नौनिहालों के लिए छाती पीटती माओं की वेदना देख पूरे देश की आंखें आंसुओं से भर गई। झांसी के मेडिकल कॉलेज में प्रशासन की लापरवाही की आग में जनता का भरोसा जल गया। इसी लापरवाही की आग में तबाह हो गई उन दुधमुहों की जिंदगियां, जिन्होंने अभी ठीक से आंखें भी नहीं खोली थीं। झांसी मेडिकल कॉलेज के NICU वार्ड में भस्म हुई सरकारी व्यवस्थाओं ने कई घरों के चिराग बुझा दिए, कई माओं के गोद सूने कर दिए, कई पिता के सपनों को स्वाहा करके रख दिया है। अब सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इस आग के पीछे असली गुनहगार कौन है? कौन है जिसकी लापरवाही से मौत तांडव करती रही, जिंदगियां बचाने के लिए जद्दोजहद चलती रही, कई के दम घुटे, कई इस आग में जिंदा जल गए, तो कई ऐसे भी हैं जिन्हें अभी भी अपने नौनिहालों की तलाश है। शुक्रवार रात लगी आग से झुलसे सभी 10 नवजातों की पहचान हो गई है। इसमें झांसी के 4, ललितपुर के 3, हमीरपुर के 2 और जालौन का 1 मासूम है। 6 बच्चे अब भी लापता हैं। मेडिकल कॉलेज में 16 बच्चों का इलाज चल रहा है, इनमें 4 गंभीर हैं। हालांकि मेडिकल कॉलेज में 1 बच्चे की छुट्टी कर दी गई है, तो वहीं झांसी के अलग अलग अस्पतालों में अब भी 22 बच्चे भर्ती बताए जा रहे हैं। इसमें 8 बच्चे गंभीर हालत में हैं। NICU में कुल 55 बच्चे भर्ती थे। झांसी के अस्पताल में मची अफरा तफरी के बाद जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, घटना को लेकर नए नए खुलासे सामने आ रहे हैं। अभी तक बताया जा रहा था कि शॉर्ट सर्किट के चलते ऑक्सीजन कंटेनर में आग लगी और फिर ये आग विकराल होती चली गई। लेकिन अब एक और खुलासा सामने आ रहा है, जहां बताया जा रहा है कि रात 10 बजे के आसपास लगी आग से पहले शाम को 5 बजे के करीब भी अस्पताल में शॉर्ट सर्किट हुआ था। एक चश्मदीद के मुताबिक शाम 5 बजे शॉर्ट सर्किट हुआ। इसकी सूचना ड्यूटी पर तैनात स्टाफ को दी गई, लेकिन उस वक्त किसी ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। फिर रात करीब 10 बजे तेजी से शॉर्ट सर्किट हुआ, जहां अस्पताल प्रशासन की लापरवाही में सब कुछ जलकर भस्म हो गया। झांसी में आग ने मौत का तांडव किया तो इसकी आंच लखनऊ तक भी पहुंची। रात को ही प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक झांसी के लिए रवाना हो गए। उन्होंने पीड़ित परिजनों से मुलाकात कर सरकारी मदद का भरोसा दिया। डिप्टी सीएम ने इस मामले में त्रिस्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। घटना को लेकर स्वास्थ्य विभाग, पुलिस, फायर ब्रिगेड और मजिस्ट्रेट स्तर की टीमें जांच करेंगी। वहीं केंद्र और राज्य सरकार की ओर से मुआवजे का ऐलान भी कर दिया गया है, जिसके तहत मृतकों के परिजनों को 7 लाख रुपए दिए जाएंगे। इसमें राज्य सरकार की ओर से 5 और केंद्र सरकार की ओर से 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। वहीं घायलों के लिए 50,000 रुपए का ऐलान किया गया है। इस मुआवजे से मृतक के परिवारों को फौरी सांत्वना भले ही मिल जाए, लेकिन सिस्टम की लापरवाही ने दिल में जो जख्म दिए हैं, उसे भरने में सालों लगेंगे। जब जब इस हादसे की याद आएगी, तब तब पीड़ित परिवार का कलेजा फटता रहेगा और सवाल भी किए जाएंगे कि वक्त रहते अगर जिम्मेदारों की नींद खुल गई होती तो शायद जिंदगी भर का ये मातम उन्हें न मिलता। डेस्क रिपोर्ट, आज की खबर।